आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर का रुख करते हैं कानपुर से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें ये कानपुर से बड़ी खबर, आग से जलकर मां बेटी की मौत का मामला जो सामने आया है कानपुर देहात की। एसडीएम एसओ समेत करीब 25 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर लगी है। ये एफआईआर दर्ज हुई है, अतिक्रमण हटाने के दौरान झोपड़ी में आग लगी थी जिसमें मां बेटी की मौत हो गई थी और इस मामले में अब जिला प्रशासन पर लापरवाही और हत्या का आरोप लगा है। आग से जलकर मां बेटी की मौत हो गई थी और अब इस पर जो है वो कदम उठाया गया है। एसडीएम और एसओ समेत करीब 25 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये पूरा मामला अतिक्रमण हटाने के दौरान झोपड़ी में आग लग गई थी जिसके बाद ये लापरवाही का मामला सामने आया है कि लापरवाही के चलते ये आग लगी है जिसमें दो लोगों की जान चली गई थी और अब इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 25 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कमलेश कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे रुख करते हैं कमलेश का। कमलेश, जो ये मामला था मां बेटी का मामला था, अब उस पर 25 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, थोड़ा सा मामला बताइए और किस तरह से कार्रवाई हो रही है। जलकर मौत हो जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे गांव का माहौल खराब होता है। आप तो देख सकते हैं इस वक्त मौजूद है मरौली गांव में, जहां पर तमाम जो पूरे ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण के लोग हैं, जी अभी तक यही पड़ा हुआ है। किसी तरह से ग्रामीणों में आक्रोश है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से पैसे उठाने की अभी उठाने नहीं दे रहे हैं। तमाम पुलिस बल, एडीजी आईजी समेत तमाम पीएसपी बल, तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। लगातार आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि नजर देखते हैं, तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। किसी तरह से यहाँ माहौल खराब हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग यहाँ पर इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से जो शव है अभी तक की बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जरा ये बताइए, जब अतिक्रमण वहां से हटाया जा रहा था तो उस समय आग कैसे लगी और आग लगी तो उस समय देखा क्यों नहीं गया वहां पर? देखिए, जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्रामीणों का आरोप है, जिस तरह से यहाँ से जो एसडीएम है, लेखपाल है, उनकी जिस तरह से तानाशाही की वजह से ये जो जलकर मौत हुई है, फिलहाल लगातार पुलिस इसकी जांच कर रही है कि ये आग किस कारण से लगी है। फिलहाल जो आरोप लग रहे हैं, तो कहीं कहीं जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से झोपड़ी में जब आक्रमण चलाया गया था तो कुछ दबंग लोगों के साथ मिलकर उनको अंदर ही बंद कर दिया गया था, उसके बाद आग लगा दी गई। लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है, लगातार पुलिस अधिकारी इसमें जांच कर रहे हैं। अभी जो 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 शव जलकर जले हुए थे वो अभी भी बॉडी यहीं पर पड़ी हुई है। लगातार पुलिस पूरे परिवार को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या पुलिस पूरी गंभीरता के साथ इस पूरे मामले को देख रही है या फिर सिर्फ लोगों का जो आक्रोश है उसी के बाद ये पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए, पुलिस कहीं ना कहीं पूरी तरह से गंभीरता ले रही है क्योंकि तमाम जो जो यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दी गई है। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोगों पर मुकदमे दर्ज कर लिए जाएंगे, एसओ और एटीएम सहित करीब 3 दर्जन से लोग ज्यादा लोग हैं जिसमें हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल जेसीबी चालक की गिरफ्तारी कर ली गई है, फिलहाल अभी और लोगों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। हमारे पास कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश, बिल्कुल किस तरह से यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से। मैं रवि द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन अखंड भारत। इस समय जो वर्तमान की दशा है, वर्तमान की स्थिति है, बहुत ही नाजुक, बहुत खराब। जो भारतीय जनता पार्टी या भाजपा की सरकार जो है, न्याय प्रणाली के जाने की घटना हुई, क्या कार्रवाई की जा रही है? घटना कार्रवाई तो बताया जा रहा है कि लेखपाल को ढूंढा जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कोई ऑफिसियल वो नहीं दिखता है जिसमें कोई वारंट कटा हो या वारंट के लिए कुछ ऐसा कहा गया हो या किसी ऑफिशियल योगी जी या मोदी जी ने किसी को ढूंढने के लिए कहा हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम लोग हैं यहाँ पर, तमाम तरह की बातों के, फिलहाल यहाँ कहीं ना कहीं किस तरह से माहौल है, लगातार हटकानी है, जो परिवार के लोग हैं ग्रामीण वहाँ लगातार सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए कमलेश, जरा पूछे इनसे कि क्या कोई आपसी विवाद था, क्या कुछ इस तरह से था, या कुछ लोग आकर आते हैं और आग लग जाती है वहाँ पर? जिस तरह से जो यहाँ पर शव थे,
बिल्कुल कमलेश, अभी तक जो 25 से ज्यादा एफआईआर लगी हुई हैं, एफआईआर तो लग गई है, आगे आने वाले समय में किस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी? क्या कोई गिरफ्तारी भी हो सकती है या कोई बड़ा एक्शन भी हो सकता है? देखिए फिलहाल लगातार अगर बात की जाए गिरफ्तारी की, तो लगातार पुलिस इस पूरे मामले पर जांच करने के बाद कार्रवाई करने की बात जरूर करेगी, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी बोलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। अपने आप को पूरी तरह से यह दिखाना चाह रहे हैं कि अभी हम बहुत व्यस्त हैं। आज तक जो हम साथ देख सकते हैं कि गाँव में जिस तरह से लोगों के अंदर गुस्सा है, अगर कहीं ना कहीं उनकी बात को नहीं मानी जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो जिस तरह से गुस्सा है बिल्कुल। सरकार ने इस पूरे मुद्दे को कैसे देखा है और राहत की बात की जाए तो क्या कुछ सरकार की तरफ से रुख है? देखिए फिलहाल अभी सरकार ने पूरी तरह से या जिला प्रशासन ने जो मुआवजे को लेकर अभी कोई भी धनराशि नहीं खोली है। फिलहाल जिस तरह से परिवारों और ग्रामीणों की मांग है, 5 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी की मांग जरूर कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन अभी भी जो शासन या प्रशासन की तरफ से कोई भी जिस तरह से मुआवजा राशि का ऐलान नहीं किया गया है। बिल्कुल कमलेश, जो घर जिस घर में आग लगी हुई थी, क्या वो भी अतिक्रमण की चपेट में था? क्या वो भी अवैध रूप से वहां पर बना हुआ था? देखिए जिस तरह से अधिकारियों का कहना है बंजर जमीन है, ग्राम सभा की जमीन है, उससे बना जो झोपड़ी बनी हुई थी, लेकिन इससे पहले जो जिसका जिसकी झोपड़ी बनी थी उससे जो घर बना हुआ था उसको अतिक्रमण में तोड़ा गया था, उसके बाद वो इस जो ग्राम सभा की जमीन है उससे झोपड़ी बनाकर रह रहा था। लेकिन अगर बात की जाए कहीं ना कहीं जिस तरह से जो ग्रामीणों का आरोप लगातार लेखपाल और कानून के ऊपर तानाशाही करके अतिक्रमण हटाने का आरोप लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रही थी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको ये तस्वीरें मौके से दिखा रहे हैं जहां पर जिला प्रशासन पर लापरवाही और हत्या का आरोप लगा है।